स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं फटाफट खबरें। लखनऊ की लड़ाई में बुधवार को अवध की बारी आ रही है। 59 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। आतंक को लेकर योगी ने फिर हल्ला बोला। पलटवार में अखिलेश का कटाक्ष। प्रयागराज में अमित शाह का रोड शो। बहराइच में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस बार यूपी में लगेगा जीत का चौका। घोर परिवारवादियों को जनता फिर हराएगी। मणिपुर में कहा पिछले 5 साल में बना दिए 25 साल के लिए ठोस बुनियाद। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपने नाम की चर्चा को नीतीश ने बताया बेबुनियाद। कहा नहीं पता कौन उड़ा रहा है अफवाह कि मुझे विपक्ष की ओर से बनाया जा रहा है उम्मीदवार। शिमोगा के हर्ष हत्याकांड में अब तक 6 गिरफ्तार। एसपी का बयान, कुल 12 लोगों से की गई है पूछताछ। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी है सियासी बयानबाजी। पुतिन की जिद से गहराए संकट के बादल। यूएन में भारत की सभी पक्षों से अपील, शांति के साथ सुलझाया जाएगा मुद्दा। यूक्रेन ने 2 प्रांतों को मान्यता देकर पुतिन ने खड़ा किया पखेड़ा। उत्तराखंड में सूखी डांग, ढांडा मीनार रोड पर बड़ा हादसा। बारातियों से भरी बस खाई में गिरी, 14 बारातियों की मौत, 2 गंभीर घायल। हाईकोर्ट की जयपुर पीठ का बड़ा फैसला। आरएएस भर्ती 2021 प्री परीक्षा को कर दिया रद्द, फिर से रिजल्ट जारी करने का आदेश। एनटीटी भर्ती 2018 से जुड़े अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। राज्य के बाहर से योग्यता हासिल करने वाले अभ्यर्थी भी होंगे पात्र। कोटा पुलिस की गिरफ्त में स्टूडेंट का हत्यारा टीचर। एक तरफा प्यार में आरोपी ने वारदात को दिया था अंजाम। हत्या के बाद लड़की के कपड़े पहनकर हुआ था फरार। कई राज्यों में काटी फरार। उदयपुर एसीबी की डूंगरपुर में बड़ी कार्रवाई। पशुपालन विभाग का संयुक्त निदेशक समेत 3 अफसर गिरफ्तार। 1,60,000 की रिश्वत लेते किया गया ट्रैप। बांसवाड़ा में वृद्ध हत्या के मामले में पुलिस टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही तीसरी रिमांड के दौरान पूछताछ कर चोरी की नकदी राशि बरामद। हनुमानगढ़ में बस में बैठी महिला के बैग से 15 लाख रुपए और 30 तोला सोना चोरी हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। भीड़ में से किसी ने महिला के बैग से चोरी कर ली। हनुमानगढ़ के खोड़ा गांव में 67 साल के धावक रघुवीर खोड़ा ने 1 दिन के लिए सैनिक बनाने की मांग की। मांग को लेकर जिला कलेक्टर से मुलाकात भी की। मांग पूरी नहीं होने पर रोज 130 किलोमीटर साइकिल चलाकर कलेक्ट्रेट पहुंचने की चेतावनी दी। राजसभा में सरपंच संघ के सदस्यों ने 13 सूत्रीय मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मांगे पूरी ना होने पर विधानसभा घेराव के लिए चेतावनी दी। बूंदी के तालेड़ा में पुलिस अधीक्षक जय यादव ने दौरा किया। इस दौरान जन सुनवाई कर केशवर राय पाटन चौराहे तक पैदल मार्च निकाला। साथ ही 3 धारा महादेव मंदिर के पुजारी के हथियारों को जल्द गिरफ्तार करने के दिशा निर्देश दिए गए। सिरोही के गुड़ागांव में बाइक स्लिप होने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। फतेहपुर के कारंगा गांव में पदयात्रा कर तेरापन धर्म संघ के 11वें आचार्य महाश्रमण बिदासर पहुंचे। इस दौरान उनका जैन समाज सहित अन्य लोगों ने स्वागत किया। नागौर के रियाबड़ी में पंचायत समिति सभागार में एसडीएम ने कई विभागों के अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक ली। इस दौरान संचालित योजनाओं की प्रगति को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। नागौर की मेड़ता सिटी में पुलिस ने अवैध बजरी पर कार्रवाई करते हुए 2 डंपर बजरी जब्त की और 4,36,000 रुपए का जुर्माना लगाया। नागौर के डीडवाना निवासी महिला के साथ गैंगरेप मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से 1 नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह और 2 दूसरे आरोपी को 7 मार्च तक जेल भेजने के आदेश दिए। गोगुंदा के सारा थाना क्षेत्र में चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोरों ने जैन मंदिर समेत 3 मंदिर और 4 मकानों में चोरी की। पुलिस ने मामले में अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। परबतसर के विधायक रामनिवास गावड़िया ने बंगले परिसर में जनसुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र से लोग आए। विधायक के हाथों हाथ अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए। काबा से जयपुर जाने वाली बस के हादसे का शिकार हो गई। आधा दर्जन के करीब यात्री इसमें घायल हो गए। घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इलाज जारी है। राजसमंद के कौशल्य सेवा संस्था ने बोरज गांव की नर्सरी में पौधारोपण कर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। साथ ही पक्षियों के दाना पानी की व्यवस्था भी की गई। राजसमंद में बीएन गर्ल्स कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। डॉक्टर अर्पणा शर्मा ने मातृभाषा का महत्व और चुनौतियों के बारे में छात्रों को जानकारी दी। समदड़ी के जेठंतरी गांव के पास जल भराव के कारण क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ग्राम पंचायत को मंजूरी मिलने से सीसी रोड का काम भी शुरू कर दिया गया। सवाईमाधोपुर की बोली में राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजन संघ ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान तहसील अध्यक्ष शिवपाल गुर्जर समेत राशन डीलर भी मौजूद रहे।
अलवर के बालसूर में जीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की ओर से अस्थायी अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई। इस दौरान प्रमुख मार्गों से अतिक्रमण हटाया गया और सीईओ की ओर से कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जालौर में चार मकान समेत मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात हुई। इस दौरान चोर नकदी और जेवरात चोरी कर फरार हो गए। डीडवाना में फाल्गुन शुरू होने की वजह से आंधियों की शुरुआत हो चुकी है। इसके कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका सीधा असर किसानों की फसलों पर भी देखने को मिल रहा है। करौली में तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में जेसीबी की ओर से अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान अतिक्रमियों में हड़कंप मच गया और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कड़ी मशक्कत की। सवाईमाधोपुर के सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मजदूरों का बकाया भुगतान करवाने और फैक्ट्री के क्वार्टर्स का आवासीय पट्टा देने की मांग की। नागौर के डीडवाना में एनआरएचएम के संविदा कर्मियों ने प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इन कर्मचारियों ने कहा कि नियमित करने समेत अनेक घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। ब्यावर में राजस्थान शिक्षक संघ ने एसडीएम राहुल जैन को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में संघ ने महिला शिक्षकों को बीएलओ कार्य से मुक्त करने की मांग की। उदयपुर में सलूम्बर कस्बे को जिला बनाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों की ओर से रैली निकाली गई। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम दिनेश चंद्र धाकड़ को ज्ञापन सौंपा गया। झुंझुनू के शिमला गांव में पैंथर आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पैंथर का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। नागौर में मौसम में बदलाव के चलते फल सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिस वजह से आमजन के रसोई से मौसमी सब्जी का जायका धीरे धीरे कम होने लगा है। उदयपुर में उदयपुर अहमदाबाद वाया डूंगरपुर आमान परिवर्तन योजना अंतिम चरण में पहुंच गई है। उम्मीद भी ये जताई जा रही है कि अप्रैल तक इस काम को पूरा करके ट्रैक पर ट्रेन दौड़ाई जा सकती है। झुंझुनू के राजगढ़ में क्षतिग्रस्त सड़कें होने की वजह से वाहनों और चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जयपुर के सांभर में अज्ञात जानवर के हमले से 32 से ज्यादा भेड़ों की मौत की खबर। 25 से ज्यादा भेड़ें घायल हो गई है। सूचना से पहुंची पुलिस ने मौके का जायजा लिया। घायल भेड़ों को पशु चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया गया है। राजसमंद के कुरुज पीपली मेगा हाईवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों ने ठेकेदारों पर घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया। उच्च अधिकारियों ने सड़क निर्माण की एक बार भी जांच नहीं की। जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने नैनवा की जिजावर पंचायत क्षेत्र में नरेगा कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों की हाजिरी की जांच की। मेट को निर्देश देकर एक एक श्रमिक की उपस्थिति देखी। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में साइकिल सवार की चौपहिया वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। डूंगरपुर की बेछीवाड़ा थाना पुलिस की रतनपुर पुलिस चौकी ने नाकाबंदी में ट्रक से 1.5 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की। कचरे के बोरों की आड़ में शराब छिपाकर गुजरात तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। रेलमगरा ब्लॉक स्तरीय औषधालय सुदृढ़ीकरण विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शिविरों एवं प्रस्तावित कार्यक्रमों के साथ ही विभागीय गतिविधियों से अवगत भी करवाया गया। डीडवाना के कवि डॉक्टर गजादान चारण ने न्यूयॉर्क में स्थित काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन जुड़कर अपनी कविताओं की प्रस्तुति दी। भिलवाड़ा में रेलवे महाप्रबंधक विजय शर्मा का दौरा रहा। इस दौरान उन्होंने स्टेशन का निरीक्षण कर पीएमएस पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया। सीकर में प्रौद्योगिकी स्थानांतरण और क्षमता निर्माण कैच योजना के तहत ग्रीन फाउंडेशन की ओर से 25 किसानों को ट्रेनिंग के लिए रवाना किया गया। इस दौरान प्रशिक्षण से खेती में नवाचार होगा। धौलपुर में मानिया में एक परिवार में आपसी झगड़ा हो गया। इस दौरान झगड़े में 2 महिला से 3 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जयपुर के दूदू में मौजमाबाद में स्टेट हाईवे जाम कर ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। गाड़ोदा मौजमाबाद सड़क के डामरीकरण की मांग की गई। सांसद भागीरथ चौधरी पर अनुमोदन रोकने का भी आरोप लगाया। सीकर में वकीलों ने कार्यस्थान स्थगन करके सीकर से धो तहसील कार्यालय को धो कस्बे में करने का विरोध जताया। बताया कि कार्यालय के स्थानांतरण से भारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पिड़ावा पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान 3 लोगों से 41 ग्राम गांजा बरामद कर गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गांजा पीने के उपकरण भी बरामद किए गए। धौलपुर के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के सागौर गांव में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के शव को बाड़ी चिकित्सालय की मोर्चरी में रखा दिया गया है।
पिड़ावा में राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से सरकारी स्कूल के छात्रों ने जागरूकता रैली निकाली। 12 मार्च को तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष के निर्देशन में यह अदालत लगेगी। डूंगरपुर के एनआरएचएम प्रबंधकीय संविदा कर्मचारी संघ ने नियमित करने की मांग की। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भी किया। जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सेंपऊ के पास खैमरी कृषि महाविद्यालय में छात्रा की मौत के बाद बवाल मच गया है। विद्यार्थियों की ओर से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरे दिन भी कॉलेज में छात्र छात्राओं का धरना जारी रहा। सीकर में माकपा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर धोत तहसील के पुनर्गठन की मांग की। तहसील कार्यालय को धोत कस्बे में स्थानांतरित करने का विरोध जताया गया। बताया कि 2 दर्जन से ज्यादा ग्राम पंचायत के लोगों को परेशान होना पड़ेगा। झालावाड़ के हिम्मतगढ़ में दिव्यांग युवक दुर्गालाल दांगी पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले में दुर्गालाल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें हिम्मतगढ़ पीएचसी में भर्ती करवाया गया है। पाली के देसूरी में नारलाई मेगा हाईवे पर लोकल वाहन चालकों से टोल वसूलने का विरोध हो रहा है। इस मामले में विधायक खुशवीर सिंह की मौजूदगी में उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। साथ ही सड़क को भी ठीक करवाने की मांग की गई। नागौर के लादलू में बस चालक चतर सिंह ने ईमानदारी का परिचय दिया। चतर सिंह को बस में एक बैग मिला, उसमें सोने के आभूषण और नकदी थी, जिसे चतर सिंह ने ईमानदारी का परिचय देते हुए दंपति को वापस लौटा दिया। नागौर के हरनावा गांव में शराब की दुकान बंद करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। महिपाल सिंह हरनावा के नेतृत्व में लोगों ने बाजार बंद रखकर सड़कों पर चक्का जाम कर दिया और शराब की दुकानें बंद करने की मांग की। झालावाड़ के गिद्दौरी इलाके में सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। इस बीच सड़क निर्माण में बाधा बने अतिक्रमण हटाए गए, इससे सड़क निर्माण के काम ने रफ्तार पकड़ ली है। जोधपुर शहर के मंडोर क्षेत्र में सीवरेज सफाई कार्य के दौरान घायल हुए सफाईकर्मी को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। महापौर उत्तर कुंती देवड़ा परिहार, आयुक्त उत्तर राजेंद्र सिंह कविया ने पीड़ित से मुलाकात की। प्रतापगढ़ के धरियावाद में नबालिग से गैंगरेप मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पॉक्सो कोर्ट में पेश किए। 2 आरोपी भी नाबालिग है। महवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। बताया गया कि जिला परिषद ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने चिकित्सकों को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिसका वे संयुक्त रूप से विरोध करते हैं। अजमेर के गांव मरिया मगरी में कुएं में गिरने से एक महिला की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव को सुपुर्द कर दिया है। नागौर के मकराना में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कोटा में हुई नाबालिग बच्ची की हत्या के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। प्रतापगढ़ में कृषि कार्य करते समय किसान की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच जारी है। ब्यावर में एनएससीआई टीम के सदस्यों ने ब्यावर कॉलेज की प्राचार्य अरुणा गुप्ता ने कल आने वाले बजट को लेकर मुलाकात की। इस दौरान टीम ने कहा कि सरकार बजट में युवाओं और बेरोजगारों के लिए योजनाएं लाने का प्रयास कर रही है। राजसमंद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधिक सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पैरा लीगल वॉलंटियर वर्षा ब्रजवासी ने छात्राओं और शिक्षकों को सुरक्षा संबंधित विधिक जानकारी दी। महवा में लोक परिवहन बस की छत पर सवारी बिठाने पर ट्रैफिक पुलिस ने बस का चालान काट दिया। इस दौरान बस परिचालक और ट्रैफिक पुलिस के बीच विवाद हो गया। राजसमंद में राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने 5 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांगों पर जल्द ही विचार न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दे डाली। ब्यावर में इंटरनेट सर्वर डाउन होने के कारण आमजनों के काम समय पर नहीं हो पा रहे हैं और इस चलते पटवारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, लेकिन कलेक्टर से आश्वासन मिलने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं मिला। गोपालगढ़ के हीरा देसर गांव में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और पुलिस टीम ने खेत में छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने खेत से 4,000 अफीम के पौधे बरामद किए। सिरोही में अरविंद पवेलियन खेल मैदान तीनों दिन खुद अपनी दुर्गति का शिकार बनता नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक पवेलियन ग्राउंड के प्रशासन की ओर से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। राजसमंद के कोटेश्वर महादेव मंदिर में 2 समुदायों को लेकर चल रहे विवाद में प्रशासन ने दोनों ही पक्षों की बैठक ली। इस दौरान जिला कलेक्टर नीलाब सक्सेना, एसपी सुधीर कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे बाड़मेर का। दरअसल यहां पर जेठंतरी गांव के राजकीय विद्यालय में गंदगी और दुर्गंध के चलते ग्रामीण और बच्चों का सांस लेना दूभर हो गया है, लेकिन अवगत कराए जाने के बाद भी विद्यालय प्रशासन की ओर से अनदेखी ही की जा रही है। बाड़मेर के समदड़ी में प्रेम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने सभा में शिरकत करने आए जनप्रतिनिधियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया।
बाड़मेर के समदड़ी में लालेश्वर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 13 गांवों की टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें किटनौत की टीम ने पात्रों को हराकर विजय हासिल की। अलवर के बांसूर में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। बाइक सवार ट्रैक्टर के टायर के नीचे आ गया। भोपालगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के हीरा देसर में नारकोटिक्स टीम और पुलिस ने कार्रवाई की। चार खेतों में लगभग 5,000 अफीम के पौधे जब्त किए गए। परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया ने डाक बंगले परिसर में जनसुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से आए लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। झुंझुनू के चिड़ावा में आबकारी पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान उन्होंने हथगढ़ शराब बनाने की भट्टी को नष्ट करके एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। नसीराबाद पशु चिकित्सालय में चिकित्सकों की खाली पदों को लेकर पशुपालकों ने रोष व्यक्त किया है और विभाग से मामले को जल्द संज्ञान लेने की मांग की। प्रतापगढ़ में अफीम की फसल पर फूल खिलने शुरू हो चुके हैं। इस बीच फसल की सुरक्षा के लिए किसान खेतों के चारों तरफ जाली लगा रहे हैं, साथ ही कांचर में अति संवेदनशील फसल को जीवों से बचाने के लिए जतन किए जा रहे हैं। सीकर के खाटू श्याम जी में एसपी रतनलाल भार्गव ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान बाबा श्याम के वार्षिक फाल्गुनी लक्की मेले में सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की। प्रतापगढ़ में बरड़िया बांध के आयोजित चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। मतदान के बाद कचरू लाल पाटीदार को 8 मतों से विजय घोषित किया। अंता के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में 27 फरवरी से ओपन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विजेता टीम को 1,00,000 और उप विजेता टीम को 51,000 की इनाम राशि दी जाएगी। नागौर अधिवक्ता संघ की साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया, साथ ही जिला न्यायालय की गठन की मांग को लेकर न्यायालयों में कार्य को स्थगित किया गया। प्रतापगढ़ में 35वीं संत हजरत सागरुल गुमनामी का अवसर एहतराम के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान 24 फरवरी को परजन कुशाई की रस्म भी होगी। 25 फरवरी को चादर शरीफ पेश की जाएगी। बनियाना में पुलिस ने 50 से ज्यादा अवैध रूप से चल रहे वाहनों के चलान काटे। इस दौरान पुलिस को एक्शन मोड में देखकर कई वाहन चालक कच्चे रास्तों से वाहनों को भगाते नजर आए। बूंदी में रोडवेज बस स्टैंड की बदहाल हालत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दुर्दशा सुधारने को लेकर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। सवाई माधोपुर के थनेरा गांव में एक मकान ने छप्पर पोश में आग लगने से दो बकरियां जिंदा जल गई। वहीं स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग भी की गई। धौलपुर पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 4 किलो 700 ग्राम गांजे समेत एक तस्कर को गिरफ्तार किया और एनजीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। बूंदी में मीणा समाज के लोगों ने बूंदा मीणा का पैनोरमा बनाने की मांग को लेकर आवाज बुलंद की। जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, जल्द से जल्द जिला मुख्यालय पर महाराजा बूंदा मीणा का पैनोरमा स्थापित करने की मांग की गई। धरियावद में 24 दिनों से 3 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे अनिश्चितकालीन धरना एसपी अमृत दुहन के साथ समझाई से समाप्त हो गया है। इस दौरान जिला विशेष शाखा के शंकर लाल मेनारिया भी मौजूद रहे। धौलपुर की मनिया थाना पुलिस ने अल्ट्राटेक में फर्जी सीमेंट बनाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और मौके से 245 नकली सीमेंट के कट्टे भी बरामद किए। हनुमानगढ़ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कर्नाटक में निर्मम हत्या करने वाले दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर मृत्युदंड देने की मांग की। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ की थर्मल आवासीय कॉलोनी मेस में फूड सैंपल लेने पहुंचे लक्ष्मीकांत गुप्ता की थर्मल संपदा अधिकारी से नोकझोंक हो गई, जिसके चलते फूड इंस्पेक्टर को बिना सैंपल के बैरंग ही लौटना पड़ा। चौबू थाना पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई की। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर 30,750 रुपए की नकदी बरामद की। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा वार्षिक निरीक्षण के दौरान विजयनगर पहुंचे, जहां उन्होंने विजयनगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्हें कई समस्याओं और सुधार सहित कुछ सवारी गाड़ियों के ठहराव के लिए ज्ञापन भी दिए गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।